तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को 200 प्लस यानी 200 प्लस न्यू क्रिएटिव बैकग्राउंड प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आपका भी काम फोटो एडिटिंग से रिलेटेड है, अगर आप फोटो डिजाइनिंग करते हैं, अगर फोटो एडिटिंग करते हैं, तो आज जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा उस कंटेंट के थ्रू आप अपने फोटो को बिल्ड करके बहुत ही बढ़िया एक लुक दे सकते हैं। कैसे आपको काम करना है, कैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, या फिर क्या क्या मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में आगे जाकर सिखाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें, जिससे कि आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी और 200 प्लस जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। इतनी अच्छी क्वांटिटी में कोई भी इस टाइप की डिजाइनिंग आपको प्रोवाइड नहीं करता होगा। तो मेरे चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा और बहुत ही इजी वे में मिलेगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों को कुछ नई चीज देना, कुछ नए कंटेंट देना और नई चीज सिखाना। तो अगर आप मेरे चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक बिल्कुल सही टाइम तक पहुंच जाएगी और आप भी कुछ मेरे चैनल पे सीख सकेंगे। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप दिखेगा। आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा फेसबुक का पेज भी दिखेगा, वहाँ पे भी आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस में। अगर आपका स्टूडियो है तो स्टूडियो के लिए अगर आपको फोटो एडिटर वगैरह चाहिए, या फिर अगर आप पासपोर्ट टेकिंग करते हैं तो पासपोर्ट के लिए भी पासपोर्ट जनरेटर जो होता है जो फुली ऑटोमेटिक होता है वो भी आप मेरे से ले सकते हैं। अगर आपका सबलिमेशन से रिलेटेड वर्क है तो सबलिमेशन वर्क से रिलेटेड मैं आप लोग को ऑल इन वन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिसके अंदर आपका सबलिमेशन के सारे प्रोडक्ट और मोबाइल के सारे बैक कवर आपको वहाँ पे मिलेंगे, जो कि फुली ऑटोमेटिक आप डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपका एल्बम डिजाइन सिलेक्टेड वर्क है तो आप एल्बम डिजाइन के लिए भी मेरे से सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, विद फुल कंटेंट और सीरियल नंबर वगैरह सबके साथ होगा, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं। इवन किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंट्रियो चैनल, मैं हूं आपका दोस्त सेंट्रियो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं कि मैंने विनर की फाइल रखी है, यही विनर की फाइल आपको डाउनलोड करनी है। इसी के अंदर आपका 200 प्लस क्रिएटिव बैकग्राउंड्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और कुछ ऐसे बैकग्राउंड दे रहा हूं जो कि आपको इजीली कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे पुराने वीडियो जरूर चेक करें यहां पे एक बारी, वहां पे आपको काफी सारे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स आपको और मिलेंगे और काफी सारी क्वांटिटी में मिलेंगे। तो इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, उसके बाद लिंक के ऊपर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा ये वाला पैनल। इस पैनल में आपके पास यहाँ पे होता है एक्सट्रैक्ट के लिए ऑप्शन, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे ओके आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद मैं थोड़ा सा आपको फाइल का रिव्यू दूंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपनी एडिटिंग के लिए। अपनी एडिटिंग को करने के लिए आप कोई सा भी फोटोशॉप यूज कर सकते हैं, मैं फोटोशॉप CS6 यूज करूंगा। आप अपने हिसाब से अपना फोटोशॉप जो भी आपके पास है, जिसमें भी आप काम करते हैं, वो ओपन करेंगे और उसमें हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी फाइल है वो ऑलमोस्ट एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, डन हो चुकी है। अब मैं इस वाले फोल्डर को बंद कर देता हूँ। फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद मेरे पास ये वाला फोल्डर है, इस फोल्डर को मैंने यहाँ पे रख दिया, इस फोल्डर को मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारे आपको फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ फाइल दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मैं आपको फाइल्स के बारे में बताता हूँ। ये जो आपको गूगल क्रोम के URL दिखाई दे रहे हैं, ये मेरी वेबसाइट के है और मेरे स्टोर के। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इन लिंक के ऊपर आप क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, मेरे स्टोर पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, जिससे कि आपकी हेल्प डेफिनेटली होगी। तो एक बार मेरे लिंक पे आप क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी आपको फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, इसी के अंदर आपके बैकग्राउंड्स है। यहाँ पे आपके पास टोटल मिला के 7 फोल्डर है और 7 फोल्डर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 202 फाइल्स आपको मिल रही है 7 फोल्डर के अंदर। तो जैसे कि मैं पहला फोल्डर दिखाता हूँ, पहले फोल्डर के अंदर आपको कुछ इस ढंग से फाइल दिखाई देगी, जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही अच्छे रेजोल्यूशन की फाइल है। आप इसको बड़े से बड़ा प्रिंट आउट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक फोटो को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बारी। जस्ट लाइक मैंने एक इमेज को ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी है और बिल्कुल रियल पिक्चर है ये। ऐसे नहीं कि कुछ आर्टिस्टिक डाला हुआ है या क्लिप आर्ट्स को मिला के बनाया हुआ है, ये ओरिजिनल पिक्चर है। ठीक है, ओरिजिनल पिक्चर के ऊपर थोड़ा सा कलर इफेक्ट को डाला गया है ताकि इसको थोड़ा सा येलोइश बनाया जाए। और इसके अंदर आप अपनी इमेज को आप सेटिंग पोजिशन में लगा सकते हैं या फिर स्टैंडिंग पोजिशन में लगा सकते हैं। अगर आपको दूसरी इमेज दिखाता हूं मैं, जस्ट लाइक ये वाली इमेज देख सकते हैं, ये वाली इमेज एक नाइट डार्क की इमेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी ओरिजिनल है, सारी चीजें ओरिजिनल ही इफेक्ट डाले हुए हैं और उस पिक्चर को क्लिक किया हुआ है, और उसके बाद उस पिक्चर को थोड़ा सा एडिट किया हुआ है, थोड़ा सा ऑयल पेंटिंग में चेंज किया हुआ है। इस ढंग से आपको मिलने वाले हैं काफी सारे डिजाइन। जिसके सेकंड फोल्डर में चलते हैं, सेकंड फोल्डर में आपको रिंग से रिलेटेड आपको बैकग्राउंड मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक मैं एक इमेज को ओपन करके दिखाता हूँ, काफी सारे बैकग्राउंड है इसके अंदर, 47 बैकग्राउंड होंगे इस फोल्डर में, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे भी देखेंगे आप तो ये भी ओरिजिनल है, लेकिन इसके ऊपर एक इफेक्ट डाला हुआ है, ये भी ऑयल पेंटिंग इफेक्ट डाला हुआ है। इस टाइप के कुछ जो सर्कल इमेज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारे वाले आपको मैं आज बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको हर एक टाइप के कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको प्रोवाइड करूँ
जिससे कि आपका सारा काम एक ही बार में डन हो जाए, आपको कहीं और से इधर से बाय ना करना पड़े, इधर से ढूंढना ना पड़े। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर नेक्स्ट वाले बैकग्राउंड में चलते हैं एक बार, नेक्स्ट बैकग्राउंड के अंदर आपको 15 बैकग्राउंड मिल रहा है। ये आपका बेसिकली क्रिसमस के टाइम पे यूज करने के लिए बैकग्राउंड मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो इमेजेस है, जैसे कि इसके अंदर इमेजेस आपकी ओरिजिनल है लेकिन सबको उठा उठा के लगाया गया है, ठीक है। यहाँ से आपको देखने से पता चल रहा होगा यहाँ पे जो आइस है वो आपको डुप्लीकेट आइस है लेकिन डिजाइन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इसको आर्टिस्टिक इमेज बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से इमेज को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले फोल्डर में चलते हैं, यहाँ पे आपके विंग्स वाले आ जाते हैं, ठीक है। काफी सारे मैं आपको विंग्स वाली फाइलें प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें से मैं एक आधा ओपन करके आपको शो कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैंने एक ओपन करी है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपने बीच में अपनी इमेज को स्टैंड करना है, मतलब खड़ा करना है। और ये फैदर जो है ये ओरिजिनल है, ऐसा नहीं कि आर्टिस्टिक है, ये वाले ओरिजिनल है। ये एक्चुअली है बेसिकली प्लास्टिक के बने हुए हैं और किसी को रख के इसको फोटो क्लिक करी गई है। इसमें आपको बिल्कुल फैदर टाइप का जो इफेक्ट होता है वो वाला भी मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार, जिसके इसमें देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप अपनी इमेज को स्टैंड कर सकते हैं। तो इसी टाइप से काफी सारे फैदर्स के मैंने यहाँ पे डिजाइन दिए हैं, वो एक एक करके ओपन हो रहे हैं। ये फाइल हैवी फाइल है तो इसको ओपन होने में टाइम लगता है। यहाँ से बैक करूँ, जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ एक बार सारे फोल्डर, उसके बाद हम लोग एडिटिंग पे चलेंगे। तो आपको बर्थडे से रिलेटेड अगर चाहिए तो यहाँ पे बर्थडे से रिलेटेड भी है कंटेंट, जो कि आप अपने बर्थडे से रिलेटेड अपनी फोटो को एडिट करने में यूज करेंगे, जो कि बैलून के साथ आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट चलते हैं एक बार, ये आपका न्यू बॉर्न बेबी। अगर आपको कोई न्यू बॉर्न बेबी का आपके पास काम आता है, वर्क आता है, फोटो क्लिक करनी है, तो उसको लेटा के ऊपर की तरफ से फोटो खींचेंगे अगर, तो यहाँ पे आप अपनी फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा इफेक्ट देने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी आपके कुछ विंग्स है, ये फैदर विंग्स है जो कि व्हाइट में आप मिलेंगे। ये मिक्सड अप है एक्चुअली, इसके अंदर काफी सारे मिक्स करके डाले हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बटरफ्लाई वगैरह यहाँ पे कुछ सब कुछ मिलेगा आप। तो चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अभी हम लोग क्या करते हैं, इनमें से किसी भी एक कंटेंट को हम लोग ड्रैग करके फोटोशॉप लेके जाते हैं और वहाँ पे अभी हम लोग के अंदर फोटो डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फोटोशॉप जो है CSS ऑलरेडी ओपन है, तो यहाँ से मैं कोई सा भी एक बैकग्राउंड को ड्रैग करके एक फोटो को डाल के मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो जस्ट लाइक हम लोग इसी में से कोई भी बैकग्राउंड ले लेते हैं जो भी अपने को सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जस्ट लाइक चलो मैं ये ब्लू वाला ले रहा हूँ, इसको मैं ड्रैग किया, मैं फोटोशॉप में लेके जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद सबसे पहले तो आप कलर करेक्शन कर लो, जो भी करना चाहते हो वो कर लेना। उसके बाद कोई सी भी अपनी कटिंग इमेज वो यहाँ पे एडजस्ट करो। तो मेरे पास काफी सारी कटिंग इमेज रखी हुई है आप लोगों को सिखाने के लिए, तो मैं वो यूज करूंगा, आप अपने कस्टमर की इमेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक अपनी इमेज को ड्रैग कर लिया है, डबल क्लिक कर लिया, मतलब यहाँ पे आ गई है, मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ये मेरी हाफ इमेज थी तो मैंने हाफ इमेज को ऐसे करके एडजस्ट कर दिया, ये बढ़िया लग रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम लोग इसी शीट के ऊपर प्लेस पे क्लिक कर देते हैं और अपना जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग यहाँ पर ड्रैग करेंगे, ठीक है। तो यहीं से मैं जा रहा हूँ, जैसे जस्ट लाइक मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ एक, मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सोवर लुक आपको यहाँ पे दे रहा होगा, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। चलो इसी शीट के ऊपर हम लोग कोई दूसरा बैकग्राउंड डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैं बैक करता हूँ, यहाँ से कुछ फ्लोरल वाले जो बैकग्राउंड थे उसको मैं यूज करता हूँ, मैंने एक रेड कलर का बैकग्राउंड यूज किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपको इस ढंग से दिखाई दे रहा है। चलो इसको भी हटाते हैं, कोई दूसरा डाल के दिखाता हूँ मैं आपको उसी के अंदर से, रिंग के अंदर से। जस्ट लाइक ये भी रेड वाला ही मैंने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, चलो इसमें से भी और चेंज करके दिखाता हूँ मैं दो चार बैकग्राउंड आपको, कोई दूसरे कलर में देखते हैं इस बार, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक लाइटर कलर ले रहा हूँ, जिसकी ये मैंने लाइटर कलर ले लिया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, खींच के ऐसे बड़ा लिया, छोटा कर दिया, जो भी जैसे भी आपको सही लग रहा है अब ऐसा कर लो मान लो। चलो इसमें एक और डाल के मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से बैक करते हैं। यहाँ पे क्रिसमस वाला टाइप का है, अगर इसमें से कुछ डालना है तो जस्ट लाइक आप डबल क्लिक करो और आपने यहाँ पे इसको सेट कर दिया, ये हो गया आपका, ठीक है। मैं आपको हर एक बैकग्राउंड डाल डाल के दिखा रहा हूँ एक बार आप, ताकि आपको कुछ समझ आ जाएगा कि इसका कैसा लुक आता है। फैदर में देख लेते हैं, फैदर में अगर आपको कुछ डालना है इसमें से, तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक, चलो एक वाइट फैदर ले लिया है मैंने, ये फैदर ले लिया मैंने, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो, ये देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा ये भी दिखाई दे रहा होगा। आप सिंगल फोटो के साथ भी एडिटिंग कर सकते थे फैदर में। और यहाँ से बैक करते हैं और चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे बर्थडे से रिलेटेड है तो डेफिनेटली इसमें बेबी की इमेज डालेंगे तो ज़्यादा बढ़िया दिखाई देगा। मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ इसी के अंदर ही करके एक बारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा प्यारा लुक आपको दे रहा होगा, ठीक है। और एक आधा फोल्डर बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग एक बार देख ही लेते हैं। दो फोल्डर न्यू बॉर्न बेबी, तो ये तो बिल्कुल नहीं अच्छा दिखाई देगा वहाँ पर, और इसको ले लेते हैं। ये जो मिक्सअप है मिक्सअप वाले को ले लेते हैं, जस्ट लाइक यहाँ से कोई से भी सिलेक्ट कर लो। जस्ट लाइक मैंने एक ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये भी इमेज आ जाएगी, यहाँ पे आ गई है, सेट हो गई है। तो ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इमेज चेंज करना चाहते हो आप, इमेज चेंज करो अपनी, तो आप अपने हिसाब से अपनी इमेज को यूज करेंगे, मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ, जो भी आपको डालना है। तो मैंने एक इमेज यहाँ पे ऐड करी है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ।
सीधा कर देता हूँ, यहाँ पे रख दिया मैंने, पीछे वाली इमेज को मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे आपका सेट, आप अपने बैकग्राउंड अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो जो मैंने बैकग्राउंड डाले थे सारे बैकग्राउंड मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है गाइस, आप इसको जरूर यूज करें और यूज करके अपने डिजाइनिंग को और भी बेहतर और भी बहुत ही ब्यूटीफुल जितना भी बना सकते हैं बनाए इसको जरूर। हमेशा सपोर्ट मैं करता हूँ और करता रहूंगा ही आपके लिए। अगर आप चैनल पर नया है, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं, जिससे वीडियो आने की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच जाएगी। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर करें, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।